इंडस्ट्री सच ए ह्यूज स्टार ह्यूज ह्यूमन बीइंग एंड एवरीबडी सेड आई मीन लॉस को तो वन कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स इज सो सडन ही डिजर्व मच मोर एंड आई हैव टाइड राखी टू हिम सो फॉर मी इट्स ए वेरी डिफरेंट ब्रदर गॉन एंड आई हैव डन बिकॉज श्याम बाबू श्याम बेनिगल्स फिल्म एवरीबडी सेट है सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली चाहे शबाना हो चाहे नसीर साहब हों ओम पर आई हैव पर्सनली डन लिटली वेस्ट इज वेस्ट विद हिम एंड मैनी अदर फिल्म सो हिज लॉस विल नेवर बी फॉरगॉटन इट्स ए ह्यूज लॉस अ ह्यूज ह्यूमन बींग उनकी जैसे कोई आदमी पैदा नहीं कर सकते सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट गलेबल बच्चे जैसे गलेबल और इतने बड़े स्टार तो इसलिए उनको कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे पर ही वॉज ए ह्यूमन बींग अबव एनी डिस्क्रिप्शन सो फॉर अस इट्स ए लॉस कमेटी की मीटिंग थी तो वो जानना चाह रहे थे क्या क्या मीटिंग का एजेंडा है और आज उन्हें सुबह अमेरिकन कॉन्सुलेट जाना था तो उन्होंने कहा था कि शायद मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊँगा तो मैंने कहा था कोई बात नहीं सर आप काम में बिज़ी रहिए मैं शाम को आपके घर आऊँगा और आपको अपडेट कर दूँगा जो कुछ हुआ एंड सुबह जैसे ही उठा तो अनंग देसाई जी का फ़ोन आया जो उनकी बिल्डिंग में रहते कि अनंग जी नहीं रहे तो स्टिल क्वाइट शॉक्ड यार यार बहुत सारी मेमोरीज हैं उनको सबके साथ मिल बैठ के खाना बहुत पसंद था एक फिल्म हम लोग कर रहे थे चार दिन की चांदनी वहाँ काफ़ी टाइम के लिए सब लोग साथ में थे तो कई बार हम लोग लेज़ी हो जाते थे ब्रेकफास्ट रूम में मंगा लेते थे तो एक दिन उन्होंने मेरा ब्रेकफास्ट मेरा जो असिस्टेंट लेकर के आ रहा था उसको रोक दिया कोई नहीं सब यहाँ डाइनिंग हॉल में ही खाएंगे सबको इकट्ठा किया और सबके साथ मिल बैठ कर हंसना गप्पे मारना खाना जिंदा दिल इंसान थे और
एक्टर तो कमाल थे ही, बहुत बड़ा लॉस है हम सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।